एनएच शिमला मनाली सड़क की खस्ता हालत हो गई है। सड़कों पर 2 फीट के खड्डे पड़े हुए हैं। कुछ महीनों पहले ही लोक निर्माण विभाग ने किसी ठेकेदार को सड़क पर टायरिंग करने का टेंडर दिया था, लेकिन 4 महीनों में ही सड़क की खस्ता हालत हो गई। दुकानदारों ने बताया कि बरसात से पहले ही सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे, बाकी बरसात होने के बाद पड़े हैं। अब उन गड्ढों को भरने के लिए विभाग द्वारा किसी ठेकेदार को टेंडर दिया हुआ है। ग्रामीणों व दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि टायरिंग तथा तारकोल की जगह ठेकेदार गीली मिट्टी फेंक रहा है और 2 फीट पड़े गड्ढों को भर रहे हैं, जिससे सारी मिट्टी दुकान में जा रही है, जिससे सड़कों पर पैदल चलना भी काफी मुश्किल हो गया है। धूल मिट्टी से बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना हुआ है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हो गए हैं। दुकानदारों व स्थानीय ग्रामीणों ने विभाग पर भी आरोप लगाए हैं कि प्रशासन ठेकेदारों को टेंडर क्यों देती है और उनके सैंपल क्यों चेक नहीं करती है। ग्रामीणों ने बताया कि जब मिट्टी डालने से ठेकेदार को रोका गया तो उसने लोगों व विभाग को गुमराह करके बताया कि मुझे मिट्टी डालने के आदेश मिले हैं। जब इसकी शिकायत हमीरपुर को दी गई तो वहां से भी ग्रामीणों को आश्वासन ही मिला और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी बोलकर टाल दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग और ठेकेदार की मिलीभगति से ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रणधीर शर्मा ने कहा कि वे राजनीति में व्यापार करने नहीं आए हैं, राजनीति में वो लोक सेवा करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी विधायक जनमंच को राजनीति का अखाड़ा बनाने का प्रयास करेंगे तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है तथा उन्होंने द्योत में आयोजित जनमंच में अपना स्पष्टीकरण दिया था और यदि विधायक उससे संतुष्ट नहीं थे तो वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि जनमंच को मिल रही सफलता से घबराकर उसे असफल करने का प्रयास जरूर किया। उन्होंने कहा कि एनएच को लेकर पूर्व कांग्रेस सरकार के समय 5 अगस्त 2015 को एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से एनएच का रखरखाव करने की जिम्मेवारी लोक निर्माण विभाग को दी गई थी और इस पर आने वाले खर्च का आधा हिस्सा 4 लेन का निर्माण कर रही कंपनी को बहन करना था, लेकिन मौजूदा समय 4 लेन का काम बंद है। रणधीर शर्मा ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता को नसीहत दी है कि वे तथ्यों को जानकर बयानबाजी करें तथा कथित तौर पर डराने धमकाने का प्रयास न करें। उन्होंने पूर्व सरकार से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया कि वो अपने निजी कामों को लेकर सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। तब कांग्रेस सरकार को पैसे की बर्बादी नहीं दिखती थी, अब लोगों के लिए लगाए जा रहे पैसा इनको चुभने क्यों लगा है। मैं जब विधायक था तब भी उनको दिक्कत होती थी, आज मैं विधायक नहीं हूँ तब भी उनको दिक्कत। जनमंच कार्यक्रम तो जनता का है, जनता तो आएगी, जनता के प्रतिनिधि भी आएंगे, पूर्व प्रतिनिधि भी आएंगे, जनता की बातें करेंगे। और मैं तो यहाँ का 2 बार पूर्व विधायक रहा हूँ, अभी भी 27,700 वोट मुझे पड़े हैं, इसलिए उनके काम करना, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है जिसे मैं निभा रहा हूँ। मैं ऐसा राजनीतिक नहीं हूँ जो व्यापार के लिए राजनीति करता हूँ, बल्कि सेवा के लिए राजनीति करता हूँ। इसलिए मेरा उनसे आग्रह है वो संयम बरतें और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी भूमिका अदा करें। इस तरह से गुंडागर्दी और उड़दंगबाजी करने का प्रयास किया जाएगा तो ज्यादा देर सहन नहीं। युवा पीढ़ी को सेना में अपनी सेवाएं देने की प्रेरणा के लिए उत्कर्ष आर्मी भर्ती सेंटर ने इंदिरा गांधी स्टेडियम बैजनाथ में एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त अध्यापक प्रीतम भारती ने शिरकत की। उत्कर्ष अकेडमी के निदेशक एक्स सर्विसमैन नाइक सुबेदार विनोद कुमार ने बताया कि इस अकेडमी में सेना भर्ती की ट्रेनिंग ले रहे 30 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। इस मीट के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसमें 1600 मीटर दौड़ में लक्की ने पहला स्थान हासिल किया, दूसरे स्थान पर राहुल राव,
तथा तीसरा स्थान सुमित कुमार ने हासिल किया। दौड़ में पहले स्थान तथा ओवरऑल चैंपियन बने लक्की को अकेडमी की ओर से ट्रॉफी के साथ 5,000 रुपए नकद राशि प्रदान की गई। दूसरे व तीसरे स्थान पर रहने वाले को 500 रुपए नकद इनाम दिए गए। पहले 10 धावकों को मोमेंटो तथा अगले 20 धावकों को मुख्य अतिथि द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि प्लस टू पास करने के बाद गरीब युवाओं के लिए ये अकेडमी बेहतर प्रशिक्षण देकर उन्हें भारतीय सेना BSF, ITBP, CRPF आदि पैरामिलिट्री फोर्स के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आजकल के युवा नशा करके इधर उधर भटक रहे हैं तथा दूर जाकर इस तरह का प्रशिक्षण नहीं ले पाते हैं। उन्हें अपने क्षेत्र में ऐसा प्रशिक्षण देने की मुहिम से इस अकेडमी को चलाया जा रहा है ताकि बच्चे देश की सेवा के लिए तैयार हो सके। और रिटर्न के संबंधित तैयार किया जाएगा और बैनाद से जो बेरोजगार युवा हैं जो बैनाद में ही शिक्षा हासिल करके सेना में जाने के लिए अपना रास्ता अपनाएंगे, जिसमें कि हम NDA के संबंधित, आर्मी के संबंधित, ITBP और BSF में जवान आराम से अपने बाधाओं को पूरा कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जवानों को मैं अपना जितने मेरे अंदर स्किल हैं जो मोदी जी ने चलाई है स्किल डेवलपमेंट का तरीका, मैं यहाँ पर उसे अडॉप्ट कर रहा हूँ और बैनाद के जवानों को अपनी स्किल देने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं ज्यादा ना कहता हुआ यहाँ पर